इस वीडियो में हम आपको विंडोज 7 का परिचय देंगे, साथ ही सिस्टम फोल्डर, कंप्यूटर तथा अन्य कई बातों के बारे में बताएंगे। हमने कंप्यूटर की बेसिक जानकारी में आपको बताया था कि कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में सबसे महत्वपूर्ण है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी की सहायता से कंप्यूटर की गतिविधियों को संचालित किया जाता है। ये कई कंपनीज द्वारा बनाए जाते हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज 7। हम जैसे ही अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। इसे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पर नीचे आप देख सकते हैं एक पट्टी दिखाई पड़ रही है जिसमें कुछ बटन्स हैं। इसे कहते हैं टास्क बार। डेस्कटॉप पर लेफ्ट साइड पर आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं आइकॉन्स। आइकॉन्स पर डबल क्लिक करके आप इन्हें खोल सकते हैं। हमारे डेस्कटॉप पर आप ऊपर की ओर भारत नाम का एक आइकन देख रहे हैं। वास्तव में ये एक फोल्डर है। आपके सिस्टम में ये किसी और नाम से हो सकता है। इस तरह का फोल्डर हमें कंप्यूटर में पहले से ही बना हुआ मिलता है, इसलिए इसे सिस्टम फोल्डर कहते हैं। चूंकि इसमें व्यक्तिगत जानकारी रखी जाती है, इसलिए इसे पर्सनल फोल्डर भी कहते हैं। फोल्डर के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे। अभी हम इसे ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अनेक फोल्डर्स दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे डाउनलोड्स, माय डॉक्यूमेंट्स, माय म्यूजिक, माय पिक्चर्स, माय वीडियोस इत्यादि। जब आप इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड फोल्डर में सेव होता है। इसी तरह जब आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं और उस काम को सेव करने के लिए कोई पाथ नहीं देते हैं, यानी सेव करने का कोई स्थान निश्चित नहीं करते हैं, तो वो फाइल बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट्स, माय म्यूजिक, माय पिक्चर्स, माय वीडियोस इत्यादि में से किसी भी संबंधित फोल्डर में सेव हो जाती है। जैसे यदि हमने MS पेंट में कोई चित्र बनाया और उसे सेव करते समय हमने कोई पाथ यानी कोई स्थान निश्चित नहीं किया, तो वो बाय डिफॉल्ट माय पिक्चर फोल्डर में सेव होगा। हम माय म्यूजिक फोल्डर पर डबल क्लिक कर रहे हैं और यहाँ सैंपल म्यूजिक पर भी डबल क्लिक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पहले से ही कुछ म्यूजिक उपलब्ध है जिसे आप डबल क्लिक करके सुन सकते हैं। इसे म्यूजिक लाइब्रेरी भी कहते हैं। और इसी तरह माय पिक्चर्स में पहले से ही कुछ सैंपल पिक्चर्स होते हैं, और माय वीडियोस में पहले से ही कुछ वीडियोस भी होती हैं। अब हम इन सभी को क्रॉस के निशान पर क्लिक करके बंद कर देते हैं। आइए अब बात करते हैं यहाँ दिखाई दे रहे कंप्यूटर के बारे में। इसे ओपन करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को तीन भागों में बांटा गया है। इन्हें हम ड्राइव भी कह सकते हैं। इन डिस्क को क्रमशः C, D और G नाम दिए गए हैं। याद रखें, हर कंप्यूटर में तीन या इससे कम या ज्यादा डिस्क हो सकती हैं, और उनके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। इसमें से प्रायः पहली वाली ड्राइव में सभी सॉफ्टवेयर रखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ सी ड्राइव में रखे गए हैं। आप इनमें से जो भी ड्राइव ओपन करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें। देखिए, इस ड्राइव में जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स रखी हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। इनमें से आप जिसे भी ओपन करना चाहें उस पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन देख रहे हैं। वास्तव में ये कंप्यूटर की डस्टबिन है, जिसमें डिलीट की गई सभी फाइल्स और फोल्डर्स अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं, और जरूरत के हिसाब से इसे समय समय पर खाली किया जाता है।
इसके बारे में हम आगे अलग से वीडियो में बताएंगे। इसके बाद आप जो दो आइकन्स देख रहे हैं, ये प्रोग्राम्स के शॉर्टकट्स हैं, और किसी शॉर्टकट की पहचान ये होती है कि इसमें एक एरो का निशान होता है। कंप्यूटर में इस तरह के अनेक प्रोग्राम्स होते हैं, पर उन सभी को डेस्कटॉप पर रखना संभव नहीं होता, इसलिए उन्हें खोलने के लिए हमें टास्क बार में लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे स्टार्ट बटन को क्लिक करके ओपन हुए मेन्यू की सहायता से ऑल प्रोग्राम्स में जाकर खोलना होता है। वैसे तो ये काम हम नोटपैड या पेंट सीखते समय कर चुके हैं, पर यहाँ पर इसे एक बार फिर समझ लेते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। अब इस मेन्यू में दिखाई पड़ रहे ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें। यहाँ प्रोग्राम्स की एक लिस्ट दिखाई पड़ रही है। सभी प्रोग्राम्स के नाम देखने के लिए आप स्क्रॉल बार की सहायता ले सकते हैं। यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विभिन्न प्रोग्राम्स दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से आप जिस पर भी काम करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। ऐसा करते ही कुछ ही सेकेंड्स में वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। आइए स्टार्ट बटन पर क्लिक करके कुछ अन्य जानकारी ले लेते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में सफेद बॉक्स में वो प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं जिन्हें हमने पिछले कुछ दिनों में उपयोग किया होगा। यदि आप इन्हें फिर से ओपन करना चाहते हैं तो इन पर क्लिक करें। आइए अब स्टार्ट बटन के इस भाग के बारे में समझ लेते हैं। डेस्कटॉप पर ऊपर की ओर भारत नाम का जो सिस्टम फोल्डर है, यदि आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो यहीं से एक बार क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। जब हमने सिस्टम फोल्डर ओपन किया था तो वहाँ एक माय डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर दिखाई पड़ रहा था। यदि आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। हमने जब सिस्टम फोल्डर ओपन किया था तो उसमें एक फोल्डर था माय पिक्चर्स। यदि आप उस फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। हमने जब सिस्टम फोल्डर ओपन किया था तो उसमें एक फोल्डर था माय म्यूजिक। यदि आप उस फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। हमने जब सिस्टम फोल्डर ओपन किया था तो उसमें एक फोल्डर था सेव्ड गेम्स। यदि आप उस फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यदि आपको कंप्यूटर की किसी ड्राइव में कुछ काम है तो आप सीधे यहाँ क्लिक करके कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल की सहायता से आप अपने सिस्टम की कोई भी सेटिंग या फंक्शन को चेंज या कस्टमाइज कर सकते हैं। डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स की सहायता से आप अपने सिस्टम से जुड़े डिवाइसेस और प्रिंटर्स इत्यादि को देख सकते हैं। डिफॉल्ट प्रोग्राम्स की सहायता से आप सिस्टम में पहले से जो प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे सीडी प्लेयर, विंडोज मीडिया सेंटर इत्यादि, उन्हें देख सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। अगर आपको विंडोज 7 से संबंधित कोई हेल्प चाहिए या विंडोज को चलाने के लिए सपोर्ट चाहिए तो आप हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये विंडोज 7 की हेल्प डेस्क है जहां से आप विंडोज से रिलेटेड डाउट सर्च कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।